अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बिन्यामीन वाइज। दोस्तों, स्कूल वैन से एक्सीडेंट के बाद ट्रक ड्राइवर का ऐसा अमल जिसने उसको हीरो बना दिया। आम तौर पर जब भी कोई हादसा होता है, इंसान सबसे पहले खुद को बचाने की कोशिश करता है। उस वक़्त इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपना होश होता है। उस वक़्त में जब अपनी जान पर बनी हो तो इंसान को किसी दूसरे की जान की फिक्र नहीं होती। मगर दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बेगर्जी की एक मिसाल कायम कर देते हैं। ऐसे ही एक इंसान जो नागरेर भी थे, जिनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी और वो बार बर्दारी वाले ट्रक चलाकर सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करते थे। दोस्तों, जोनाथन का तल्लक साउथ जॉर्जिया से था। वह अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी को अंजाम देते हुए जोनाथन अपने ट्रक को चलाते हुए जा रहे थे तो उनके ट्रक का एक स्कूल बस से हादसा पेश आ गया। हादसा इतना शदीद था कि उसकी वजह से एक जानब तो जोनाथन के ट्रक पूरी तरह तबाह हो गया और दूसरी जानब स्कूल बस को भी बुरी तरह नुकसान पहुँचा। इस हादसे के नतीजे में जोनाथन भी बुरी तरह जख्मी हो गए। मगर जोनाथन को स्कूल के बच्चों की फिक्र थी। तकरीबन 12 बच्चे इस हाल में थे कि वो बस की टूटी हुई सीटों के बीच में फंस चुके थे और बुरी तरह रो रहे थे। उस मौके पर जोनाथन ने अपनी परवाह करने के बजाय फौरन ही बस के अंदर से बच्चों को निकालना शुरू कर दिया और 10 बच्चों को इस बस से निकालने में कामयाब हो गए। इसी दौरान रेस्क्यू वाले भी पहुँच गए और इन्होंने जोनाथन को तिबी इमदाद फराहम करने के लिए उसको अस्पताल ले गए। इस सारे हादसे का सबसे बड़ा और बदतरीन पहलू यह था, जोनाथन जब अस्पताल पहुंचा तब तक इनकी अपनी हालत बुरी तरह खराब हो चुकी थी। इनके जख्मों से बहने वाला खून बच्चों को बचाने के चक्कर में जाया हो चुका था। अस्पताल वालों ने जोनाथन को बचाने की बहुत कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हो सके और जोनाथन ने बच्चों को तो बचा लिया मगर अपनी जान की बाजी हार गए। जोनाथन की मौत ने ना सिर्फ उसके माँ बाप को सख्त सदमे से दोचार कर दिया बल्कि इनकी मौत का दुख उनके वालदैन को भी था, जिनके बच्चों को बचाते हुए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। इन बच्चों के वालदैन का जोनाथन के हवाले से कहना था, जोनाथन के सीने में एक ऐसा सोने का दिल था जो कि दूसरों की तकलीफ को ना सिर्फ महसूस कर सकता था बल्कि खुद को तकलीफ में डालकर दूसरों को खुशी देता था और वो लोग जोनाथन के एहसान को कभी भी फरामोश नहीं कर सकेंगे। जोनाथन की मौत उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो कि दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों के लिए ही मरते हैं।